गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग इंग्लिश वर्कबुक में लेसन फाइव कर रहे थे, है ना। लेसन फाइव का नाम था सीजन, द सीजन्स। ठीक, चलो पेज नंबर 34 ओपन करेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ फिगर बने हुए हैं, उनके वर्ड्स को हमें कंप्लीट करना है जी एल और जी आर से, है ना। जी एल लगाना है या जी आर लगाना है। तो देखो ये कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, तो जी आर हो जाएगा ना, तो जी आर डबल ई एन, ग्रीन। समझ में आया। अब देखो ये लड़का जो है वो ग्लाइड कर रहा है ग्लाइडर से, तो यहाँ पर जी एल हो जाएगा, जी एल आई डी या ग्लाइडर। ये क्या है, ग्लव्स हैं, तो जी एल ओ वी ई एस, ग्लव्स हो गया। ये क्या है, ग्रेप्स हैं, तो जी आर। ये है ग्रास पर, जी आर ए डबल एस एच ओ डबल पी ई आर। और ये क्या है, ग्लास, जी एल हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, उनको अनस्क्रम्बल, उनको सही तरीके से करके यहाँ पर करना है। इट इज वेरी चिली, सी एच आई डबल एल वाई, चिली ले, ठीक है ना। बोलते चल कर लो ऐसा बोलते हैं ना, उसी से लिए वर्ड हो गया चिली। ठीक, आई सडनली फेल्ट अ घोस्टली, जी एच ओ एस टी एल वाई, घोस्टली चिल रन डाउन माई बैक, है ना। The class was dash in the afternoon, noisy, N O I S Y, देखो N O I S Y, N O I S Y, noisy. Her hair is thick and curly, C U R L Y, C U R L Y, curly. हो गया। द एरिया वॉज हिली, एच आई डबल एल वाई, हिली पहाड़ी एरिया ना, हिली एरिया। द फ्रैम्स वर हॉट एंड क्रंची, सी आर यू एन सी एच वाई, क्रंची। क्रंची मतलब कुरकुरे, है ना, जैसे खाते हैं जब चिप्स खाते हैं तो कच की आवाज आती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रंची। फ्रैम्स खाते हैं आप लोग, होली पे भी बनाती है मम्मी, बाजार से खरीद के ला के उसको तलते हैं, है ना, गोल गोल होते हैं फ्रैम्स। ठीक, चलो अब देखो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग एपोस्ट्रॉफी लगा करके उसको बना देते हैं। जैसे ही इज, ही इज को हम लोग लिखते हैं ऐसे, हो गया। तो ऐसे ही समय डज नॉट का मतलब डजंट, डी ओ ई एस एन टी, है ना। यहाँ पर गलत जगह पे मैंने लगा दिया, देखो मिटा के मैं इसको सही करता हूँ। लास्ट के, हाँ, शी विल, एस एच ई, और यहाँ ये शी विल हो गया। लेट अस, तो लेट अस को लेट, आर नॉट, हो गया। विल नॉट, तो विल नॉट का डब्ल्यू एन ऐसे बनेगा, ठीक है। और दे वुड, तो दे, और ये बस डी। यू हैव, तो यू तो लिखेंगे और ये नीचे देंगे, यू हैव हो गया। ठीक, हो गया, इसको नोट कर लो। तो ये सब चीज़ों को तो याद भी कर लेना चाहिए, है ना, तो आप लोग लर्न भी कर लेंगे। ओके, चलो अब यहाँ पर पोयम पूरी करनी है हमें इन वर्ड्स के साथ। माई रेड, देखो बलून, बलून यहाँ पर बलून लिखेंगे ना, माई रेड बलून, माई रेड बलून, माई रेड बलून flies up up to the
moon. I jumped up high to reach the sky. देखो राइमिंग वर्ड्स बन रहे ना, बट कुड नॉट रीच इट. वाई? तब तक मैं लेकिन उसके पास नहीं पहुंच सकता. क्यों? माई रेड बलून आई होप आई सी इट अगेन सून. कितनी मजेदार पोएम है ना. ये पोएम लर्न करेंगे है ना, फिर मुझे सुनाएंगे भी. माई रेड बलून फ्लाइज अप अप टू द मून. I jumped high to reach the sky, but could not reach it. Why? My red balloon, I hope I see it again soon. ठीक, तो ये आपका लेसन 5 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बेटा. तब तक के लिए बाय.